जिस दिन आप खुद की कमाई की ईंट खरीदोगे उस दिन आपको बाप की झोपड़ी की कीमत समझ में आएगी। इंसानियत तो तब मर जाती है जब 50,000 कमाने वाला अधिकारी 300 रुपए कमाने वाले मजदूर से रिश्वत मांगता है। वो समाज कैसे तरक्की करेगा जहां लड़ाई दो पुरुषों में होती है और गालियां माँ बहन को पड़ती है। गंदगी तो देखने वालों की नजरों में होती है, वरना जिसको भूख लगी है वो तो कचरे के डब्बे में भी रोटी ढूंढ लेता है। दिया और बाती अपनी अपनी जगह सही होते हैं, आग तो कोई और ही लगाता है। जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे और जो नाम के अपने हैं वो अपने आप दूर हो जाएंगे। जैसा मन करे वैसे जियो, लेकिन ऐसा काम मत करो कि लोग आपके माँ बाप की परवरिश पर उंगली उठाने लगे। जिंदगी में किसी की अहमियत को कम मत समझो, क्योंकि एक छोटे से गुब्बारे को पूरा समंदर भी नहीं डुबा सकता। सबके पास समान आंखें हैं, लेकिन सबके पास समान दृष्टिकोण नहीं है। बस यही चीज इंसान को इंसान से अलग करती है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता दोस्त। कुदरत चिड़िया को खाना जरूर देती है मगर घोंसले में नहीं देती। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां कमजोर बना देती है और घटिया लोग इसका फायदा उठाकर खुद को शेर समझने लगते हैं। जिंदगी में एक बात का ध्यान रखना, जो चीज कमा सकते हो उसे दूसरों से मांगना बंद कर दो। किसी को ज्ञान उतना ही दो जितना वो समझ सके, क्योंकि बाल्टी भरने के बाद यदि नल बंद नहीं करोगे ना तो पानी बेकार में बाहर जाएगा। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी आप उसको वापस नहीं खरीद सकते। तीन चीजें कभी वापस नहीं आती, बोले हुए अल्फाज, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा। जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है वही आपके संघर्ष की कीमत जानते हैं, नहीं तो औरों के लिए आप सिर्फ किस्मत वाले हो। किस मिट्टी के बने थे वो लोग जो अपनों की चिट्ठियों का महीनों तक इंतजार किया करते थे। आजकल तो कुछ दिन बात ना करो तो लोग रिश्ते ही बदल देते हैं। घमंड किसी का भी नहीं रहा साहब, टूटने से पहले गुल्लक को भी लगता था कि सारे पैसे उसी के हैं। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा जाते हैं। सच तो ये है कि दुनिया आपको तब तक चाहती है जब तक आपका वक्त अच्छा है। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। जुबानों के पीछे मत चलो, कोई तुम्हें कभी ऐसी कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वो खुद गुनहगार हो। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता, सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनाती है। टूटी हुई चीजें जिंदगी में बहुत परेशान करती है, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा किसी से की हुई उम्मीद। ओपन और क्लोज दोनों विरोधी शब्द हैं, पर देखो हमारा मन उन्हीं के सामने ओपन होता है जो हमारे बहुत क्लोज होते हैं। अपनों से मिलना और बोलचाल जरूरी है, वरना कितना भी एशियन पेंट करवा लो दीवारें कभी नहीं बोलेगी। जज्बात वहां जाहिर करो जहां उनकी कद्र हो, बाकी तो आंख से गिरा आंसू भी लोगों को पानी ही लगता है।